प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर। दिल्ली का था, दिल्ली नोएडा का, जब उस पर आला अधिकारी जो सुपीरियर और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जब उन्होंने उस पर इंक्वायरी करवाई और उस पत्रकार से बुला करके पूछा कि हुआ क्या था, तब उसने बताया कि जब उस पर आला अधिकारी जो सुपीरियर और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जब उन्होंने उस पर इंक्वायरी करवाई और उस पत्रकार से बुला करके पूछा कि हुआ क्या था, तब उसने बताया कि रात के अंधेरे में फ्लाईओवर के ऊपर मजार बनाया जा रहा था, झूठा मजार, और उस पर वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगाया जा रहा था कि ये पूरा जो फ्लाईओवर है ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति, और देखो कि यहां पर मजार भी है। फ्लाईओवर के ऊपर मजार बना, फिर बाबा वहां जन्म दे दिए, मतलब फिर बाबा की अम्मा ने साड़ी खोल करके, पजामा खोल करके वहां पे बच्चा पैदा कर दिया था फ्लाईओवर पर। फिर बाबा की अम्मा को पता था कि आने वाले वक्त में बहुत सारे फ्लाईओवर, तब फिर उस मजार को जो आला अधिकारी हैं दिल्ली के, उन्होंने तोड़वाया और तोड़वा करके उस पुलिस ऑफिसर जिसने पत्रकार को मारा था उसको सस्पेंड करवाया। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लाई खान जी को, जो कि अपने दमदार और बेबाक रिएक्शन के लिए जानी जाती हैं। और आज वो बात करेंगी भारत के सबसे बड़े लैंड माफिया यानी वक्फ बोर्ड को एक्सपोज करेंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। यहां तक के 1500 साल की पुरानी मंदिर को भी कह डाला कि ये भी वक्फ का है, ठीक है। अब मैं आपको एक और किस्सा सुनाना चाहती हूँ। रिसेंटली ये 2022 की बात है, तमिलनाडु का ही एक किसान था, वो अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था, शादी होने वाली थी, तो उसने कहा कि मैं एक खेत का कुछ हिस्सा मैं बेच देता हूँ और अपनी बेटी का की शादी में धूमधाम से करना चाहता हूँ। हर पिता का एक सपना होता है कि सामने वाला मांगे या ना मांगे, लेकिन हम अपनी बेटी को बहुत अच्छे से हम धूमधाम से उसकी शादी करेंगे। वो किसान बेचारा हिंदू समुदाय से था, वो गया और जा करके उसने रजिस्ट्रार को कहा कि मेरी इस संपत्ति को बेचना है मुझे अपनी बेटी की शादी करनी। रजिस्ट्रार ने वो उसके डीड ले ली और कहा कि ठीक है मैं इसका पूरा पेपर रेडी कर देता हूँ, आप आके साइन कीजिए। मीनवाइल 60 या 62 घंटे के बाद वो रजिस्ट्रार और वकील उस किसान को बुलवाते हैं, बुलवा करके उससे कहते हैं कि आपकी जमीन तो वक्फ ने ले लिया है, आप कैसे बेच सकते हैं। अब वो किसान तो रोने पीटने लगा कि भाई ये तो मेरे बेटी की शादी का मसला है, ये कैसे हो सकता है। उसके बाद उस किसान को 2022 में जाकर के जजमेंट मिला, उसकी बेटी की शादी 7 साल रुकी गई, 7 साल 2022 में उसको फैसला हुआ कि नहीं, ये इस किसान की ही संपत्ति है और झूठ बोल करके आप इस संपत्ति को अपने अपने कब्जे में ले रहे हैं, और यही रीजन था कि आप भारत के न्यायपालिका में नहीं आने देते हैं लोगों को और आप अपने कोर्ट में बुलवाते हैं। एक और अभी आपको बताती हूँ। 5 अगस्त 2021 को एक यूट्यूबर को, पत्रकार था, एक यूट्यूबर को एक पुलिस मार रहा था और फ्लाईओवर के कुछ वीडियोस जो है वो कटे छटे थोड़े से डोलते हुए थोड़े से हिलते हुए बहुत वायरल हुए। क्या आखिर इस यूट्यूबर को, इस पत्रकार को पुलिस मार क्यों रहा है? दिल्ली का था, दिल्ली नोएडा का, जब उस पर आला अधिकारी जो सुपीरियर और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जब उन्होंने उस पर इंक्वायरी करवाई और उस पत्रकार से बुला करके पूछा कि हुआ क्या था, तब उसने बताया कि जब उस पर आला अधिकारी जो सुपीरियर और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जब उन्होंने उस पर इंक्वायरी करवाई और उस पत्रकार से बुला करके पूछा कि हुआ क्या था, तब उसने बताया कि रात के अंधेरे में फ्लाईओवर के ऊपर मजार बनाया जा रहा था, झूठा मजार, और उस पर वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगाया जा रहा था कि ये पूरा जो फ्लाईओवर है ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति, और देखो कि यहाँ पर मजार भी है। फ्लाईओवर के ऊपर मजार, फिर बाबा वहां जन्म दे दिए,
मतलब पीर बाबा की अम्मा ने साड़ी खोल करके पजामा खोल करके वहां पे बच्चा बच्चा पैदा कर दिया था फ्लाईओवर पर। पीर बाबा की अम्मा को पता था कि आने वाले वक्त में बहुत सारे फ्लाईओवर। तब फिर उस मजार को जो आला अधिकारी हैं दिल्ली के उन्होंने तोड़वाया और तोड़वा करके उस पुलिस ऑफिसर जिसने पत्रकार को मारा था उसको सस्पेंड करवाया। उसके बाद फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक मस्जिद थी, कोर्ट के अंदर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक मस्जिद थी। मस्जिद में लोग नमाज पढ़ते थे, जो मुसलमान वकील थे वो नमाज पढ़ते थे और जुमा की नमाज में पूरा सफ खड़ा होता था, पूरा पूरी जमात लगती थी, खुतबा भी होता था। इलाहाबाद हाई कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं थी और वहां पर प्रैक्टिस करने वाले बाकी धर्मों के लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं। पर एक सुबह में जब बहुत सारे क्लर्क और वकील एंटर किए तो उनको पता चला कि वक्फ बोर्ड ने अपना हरा हरा बोर्ड लगा दिया है कि ये मस्जिद जो है और मस्जिद के बाहर का गलियारा जो है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अब सारे वकील एकजुट हुए और उन्होंने कहा कि ये क्या बात हो गई भाई, अब तुम हाई कोर्ट को भी ले लोगे। उसके बाद फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस के बेंच पर पूरा एक मास पिटीशन और एक शिकायत पिटीशन जो है वो जमा हो गया और कहा गया कि देखिए मस्जिद थी साहब, माय लॉर्ड, हमें कोई आपत्ति नहीं था, हर धर्म के लोग यहाँ पर अपने अपने रिचुअल्स को, अपने अपने श्रद्धा और आस्था को मान सकते हैं, अपने मजहब को मान सकते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड का बोर्ड कैसे लग सकता है, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर लग जाए, ये कैसे हो सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तुरंत कहा कि अब इस मस्जिद को ही यहां से रिमूव किया जाए क्योंकि ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। अब तो वक्फ बोर्ड के लोगों को ईगो में प्रॉब्लम हो गया और उन्होंने छाती पीटना स्टार्ट कर दिया। अब जो पूरा मतलब एक काफिला निकला दाढ़ी टोपी वाले का, अब्बा का पैजामा पहन लिया और भैया का कुर्ता पहन लिया और जालीदार टोपी पहन लिया, दाढ़ी में मेहंदी लगा ली और निकल गया काफला लेकर के कि भाई छाती पीटो अब जल्दी जल्दी के भाई, अब ये तो हमारा, हम मुसलमान खतरे में आ गए हैं। उसके बाद फिर ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, मुसलमान पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कह रहे हैं कि ये तो हमारी संपत्ति है, मुगलों ने छोड़ी थी हमारे लिए, ये देखिए ये देखिए ये ब्लू प्रिंट है हमारे पास, ये मुगल आक्रांता यहाँ से यहाँ आए थे और यहाँ से यहाँ घूम करके गए थे, तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट आता है उस बीच में, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट बेचारा परेशान हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा मुसलमान पक्षों को समर्थन तो देता है, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि देता है, हमारा हमारा सर्वोच्च न्यायपालिका उनके इमोशन का की बहुत कदर करता है, मुसलमानों के जज्बात की बहुत कदर करता है। अब तो सर्वोच्च न्यायपालिका भी खामोश हो गया कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कल को कह दे सुप्रीम कोर्ट भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, अब यहां पर तो कड़े निर्णय लेने ही पड़ेंगे, चाहे मुझे जितना ही अंदर दिल में मोहब्बत है मुसलमानों से, क्योंकि नेहरू साहब बोल करके गए हैं कि मुसलमानों से मोहब्बत करते रहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि भैया वो मस्जिद तो आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर से हटानी पड़ेगी। उसके बाद फिर एक पिटीशन रिक्वेस्ट का, एक अर्जी पिटीशन मुस्लिम पक्ष ने डाला और कहा कि साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट को कहिए ना कि उस मस्जिद की जगह मुझे कहीं और दे दे फ्री में जगह लेने के लिए। तो ये एक साजिश है वक्फ बोर्ड की। हम आप लोग हमेशा पाकिस्तान से बैठे बैठे सुनते हैं बाबरी मस्जिद तोड़ दिया, वहां पर देखो मंदिर बन गई, और अवैसी इस चीजों को बार बार दोहरा करके मुसलमानों को जिहादी एक्टिविटीज में मुब्तिला भी रखना चाहता है, क्योंकि अगर अल कुरान में पढ़ते हैं तो ना इन, ये जो मैंने अभी हजार से ऊपर आपको मजारों के नंबरिंग बताए हैं वो भी सिर्फ वेस्ट बंगाल के बताए हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट के बताए हैं, उसी में 2200 मजार मैंने बता दिए हैं। तो ये मजार अगर वाकई में असदुद्दीन अवैसी मजार को कुरान को मानता है तो मजार तो उसको खुद तोड़ देना चाहिए था जा करके, मजार में तो हथौड़ा खुद असदुद्दीन अवैसी को चला देना चाहिए था, क्योंकि अगर वो अल कुरान मानता है तो अगर वो वाकई में असदुद्दीन अवैसी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत रसूल से आता है तो वो तो खुद हथौड़ा उठाता और हैदराबाद के मजार से स्टार्ट कर देता तोड़ना। अब आती है बात कि ये एक स्ट्रैटेजी है कि हम मंदिरों को तोड़ करके उस पर टुंब बनाएंगे और फिर ये पता होता है मुसलमान पक्षों को कि वो केस हारेंगे ही क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ तो है नहीं, और केस हारने के बाद
हम कहेंगे कोर्ट को कि हमको कोई और जगह दे दो। तो आकर उनको 27 एकड़ जमीन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के लिए मिली, जिसको अवेसी ने मस्जिद जरारा भी कह डाला। अब देखिए ज्ञानवापी में, ज्ञानवापी चल रहा है यहाँ पर, आप तो काफी भारत के टॉपिक पर बात करते हैं। अब ज्ञानवापी तो हमारा शब्द ही नहीं है, तो वो मस्जिद कैसे हो सकती है? तो ये मुसलमानों की एक स्ट्रैटेजी है कि सारे हिंदुओं के धार्मिक स्थानों पर हम कब्जा करेंगे, और जब हम केस जीत जाएंगे, हार जाएंगे, जब हम केस हार जाएंगे, क्योंकि जीतना तो होता ही नहीं है, जब वो केस हार जाते हैं तो वो भीख मांगना स्टार्ट करते हैं, इसके इसके ऑल्टरनेट में हमको कोई और जगह दे दीजिए। और इस तरह से उन्होंने 9.4 लाख एकड़ उन्होंने जमा कर। मैंने खुद भी देखा था कि पंजाब के अंदर, मुझे मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने स्टेशन के ऊपर दिखाया कि स्टेशन के ऊपर बता रहे थे, कहीं पर भी कोई भी ऐसी जगह मुझे वो जब भी दिखाते हैं, वो जरूर ये दिखाते हैं कि ये देखें यहाँ पर आपकी मस्जिद है, ये यहाँ पर आपका ये जो है मज़ार बना हुआ है, वो मज़ार लाजमी दिखाते हैं, वो उसके स्टेशन के ऊपर मज़ार बना हुआ था, सॉरी, तो वो ज़रूर उन्होंने दिखाया कि ये देखें यहाँ पर मज़ार बना हुआ है। हमने कुछ ऐसी वीडियोज़ भी देखी थी कि जिनके अंदर कुछ जाली कब्रें बनी हुई हैं, कि जहाँ पर खाली जगह देखी और वहाँ पर वो जाली कब्रें बनाकर उस जगह को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो ये एक तरीकाकार है मेरे ख्याल में उनका, एक सिंपल सा कि जी जहाँ जगह खाली देखी वहाँ पर जाकर या अपना मज़ार बना ले और या वहाँ पर कब्रें बना ले, और ताकि बाद में वो फिर वो पक्के हो जाएंगे ये तो हमारी ही है। तो इसके लिए हमारे भारत में, मुजफ्फर भाई मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, हमारे भारत में छोटे बड़े मिला करके 53 लाख मजारे हैं, 53 लाख। और जिन जिन मजारों पे, जिन जिन मजारों पे वक्फ बोर्ड ने अपना धाबा बोला हुआ है, और जिन जिन मजारों की तख्ते पर जो जो पीर मुर्शिद का नाम लिखा हुआ है, वो नाम अल कुरान में कहीं पर भी नहीं। इतने बाबे आ कहां से गए, मुझे ये समझ नहीं आती कि 53 लाख बाबे कहां से आ गए। 53 लाख, और आप सोचिए कि रेलवे स्टेशन पर किस पीर की मां ने पजामा खोल के बच्चा पैदा किया था, फ्लाईओवर पर किस पीर की मां ने पजामा खोल के बच्चा पैदा किया था, उसके बाद फिर बाजार के अंदर किस पीर की मां ने पजामा खोल करके बच्चा पैदा किया था और वो बड़ा औलिया हो गया रोड पर पैदा हो करके। और इन्होंने ऐसी मानसिकता बनाई है कि ये रोड छाप, गटर छाप, मदरसा छाप, ये बहुत बड़े पीर औलिया टाइप के हैं। इन्होंने इन्होंने अच्छा ये जानते हैं कि ये जाहिल गटर छाप है, ये इनको पता है, और इनकी मालूमात और इनकी दीनी तालीम नीलवटा सन्नाटा है। इनको अल कुरान के बारे में कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। जो इनको मुल्ला साहब और मौलवी साहब बताते हैं, इनको बस उतना। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजी लाइक खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा कैसे भारत की बेटी नाजिया खान जी ने वक्फ बोर्ड यानी कि जो सबसे बड़ा लैंड माफिया है, उसके पूरे नेटवर्क को एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।